हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृतिकाज किचन। आज हम बनाएंगे चंपारण मीट, जिसे हम अहुना मीट या फिर हांडी मटन भी बोलते हैं। इसे मिट्टी के बर्तन में बनाया जाता है और बहुत ही लो फ्लेम पे इसे कुक किया जाता है। बिहार की एक बहुत ही फेमस रेसिपी है ये। बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है चंपारण, वहाँ का ये बहुत ही फेमस रेसिपी है। तो आज मैं ये रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, आई होप आप लोग को पसंद आए। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए लेंगे यहाँ पे सबसे पहले 600 ग्राम मटन, उसमें डालेंगे कटा हुआ प्याज। तो यहाँ पे मैंने 4 मीडियम साइज़ के प्याज को स्लाइसेस में काट लिया है। साथ में डाल देंगे 2 होल गार्लिक, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है मटन में। फिर क्रश किया हुआ गार्लिक और जिंजर डाल देंगे, आप चाहे तो पेस्ट भी डाल सकते हैं। फिर हम मसालों में डालेंगे काली मिर्च, जीरा, लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, चक्रफूल, दालचीनी, जावित्री, तेजपत्ता और लाल मिर्च। तेजपत्ता आप इसमें डाल दें। बाकी सारे मसालों का मैंने मिक्सी में ऐसे फाइन पाउडर बना के डाल दिया है। अब इसमें डाल दें स्वाद के अनुसार नमक और फिर सरसों का तेल डाल दें। इसे मैंने एकदम गर्म करके फिर इसमें डाल दिया है। थोड़ा सा तेल हम बचा लेंगे, इसे हम हांडी में डालेंगे। अब इसमें डालेंगे हम हल्दी पाउडर, सभी चीजों को आप अच्छे से मिक्स कर दें। इसमें आप 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर भी डाल दें, इसे भी अच्छे से मिक्स कर दें मटन के साथ। अब हम लेंगे मिट्टी का ये हांडी। तो सबसे पहले हम जो गरम तेल करके रखे थे सरसों का, उसमें डाल के उसे अच्छे से कोट कर लेंगे चारों तरफ मिट्टी के बर्तन में। तो तेल चारों तरफ अच्छे से लग गया है। अब हम इसमें मटन डाल देंगे। मटन डालने के बाद हम आटा ऐसे साइड से लगा के इसे अच्छे से सील कर देंगे। तो पहले चारों साइड आप ऐसे आटा लगा दें, उसके ऊपर से ढक्कन डाल के उसे अच्छे से सील करें ताकि इसमें से कोई एयर बाहर नहीं निकल पाए। तो इसे ऐसे प्रेस करें और फिर चारों साइड से इसे दबा के ऐसे सील कर दें। तो ये हमारी हांडी अच्छे से सील हो गई है। अब इसे हम गैस पे रखेंगे। तो मटन को हमें लो फ्लेम पे 1 घंटे तक कुक करना है। तो घबराइएगा नहीं, ये जलेगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये लो फ्लेम पे है। आधे घंटे बाद आप देखेंगे कि इसमें से साइड से ऐसे स्टीम निकलने लगेगा। तो टेंशन का कोई बात नहीं है, ये ऐसे जनरल है, ये निकलता है ऐसे। तो 1 घंटा हो गया है, तो फ्लेम हम यहाँ पर बंद कर देंगे और 10 मिनट इसे छोड़ देंगे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। 10 मिनट बाद ये थोड़ा छूने लायक हो गया है। तो चाकू के हेल्प से आप ऐसे इसका जो आटा है कट करके इसका ढक्कन खोल दें। इसे अच्छे से एक बार मिला देंगे, मटन जो नीचे है उसे ऊपर कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा चेक कर लेते हैं मटन कितना पका है। तो मटन यहाँ पे हमारा 80% कुक हो चुका है, तो थोड़ा और पकाना है, इसलिए हम इसमें 1/2 कप के करीब पानी डाल देंगे थोड़ा सा, और उसे अच्छे से एक बार मिक्स कर देंगे मटन के साथ। और इसे फिर से हम गैस पे रख देंगे लो फ्लेम पे, इसे भी ऐसे ढक के पकाना है। तो टोटल मुझे 45 मिनट्स लगा था पकने में, आप बीच बीच में इसे चेक करते रहें। तो 15 मिनट बाद मैंने इसे चेक किया था और एक बार चला दिया था अच्छे से। मटन की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है उसे कितना टाइम लगेगा पकने में। मेरा टोटल 1 घंटा 45 मिनट्स लगा था पकने में। तो आप जब दोबारा 1 घंटा के बाद गैस पे रखें तो 15-15 मिनट पे आप चेक करते रहें। अगर मटन पक गया है अच्छे से तो आपका मटन रेडी है। इसमें मैंने थोड़ा सा 2 ग्रीन चिली भी डाल दिया है,
आप जितना तीखा खाते हैं उसके हिसाब से आप डाल सकते हैं तीखा। फिर से इसे कवर करके हम पकाएंगे। तो यहाँ पे टोटल 45 मिनट्स हो गया है और ये देखिए इसका जो तेल था वो भी ऊपर आ गया है, इसका मतलब मटन अच्छे से पक गया है और मसाला भी अच्छे से पक गया है। तो इसे हम ऐसे मिक्स करके देखते हैं, प्याज भी अच्छे से पक गया है। यहाँ देखिए प्याज पूरी अच्छी तरीके से गल के एकदम ग्रेवी बन चुका है। तो ये आपका चंपारण मीट रेडी है सर्व करने के लिए। इसे आप चावल, रोटी, पराठे किसी चीज़ के साथ भी खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है ये। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। इसका फ्लेवर आप एक बार टेस्ट करेंगे तो आपको लगेगा कि बार बार बनाएं, क्योंकि इसमें एक बहुत ही अलग तरीके का सौंधा सा फ्लेवर आता है मिट्टी के बर्तन के कारण। तो ट्राई कीजिए मेरी इस रेसिपी को और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।